तारीख है 11 नवंबर 2021, समय हो गया है 01:46 PM द टाइम। ये कॉन्क्रीट का जंगल क्या है ना, ये एक सेंटेंस है। जरूरत पड़ेगी इनकी भी जरूरत पड़ जाएगी, नहीं होगी तो इनकी भी नहीं पड़ेगी। फ्लड ठीक भी है और नहीं भी है। बाढ़ आने से जमीनों में नदियों के नए जीव आकर के वापस घुस जाते हैं, पर उस समय उन लोगों को बचाना ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं एनडीआरएफ में बाढ़ राहत के लिए स्पेशल ट्रेनिंग आपको कहूंगा, आप लीजिए यूएस नेवी सील से स्पेशल ट्रेनिंग, एनडीआरएफ का स्पेशल सेशन, फ्लड सिचुएशन में क्या किया जाए। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इन द सेंस नहीं कि मैं मरने वाला हूं, नहीं नहीं, 7.5 साल का प्रोजेक्ट है, 7.5 साल में मुझे सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर देनी है। ये जो भी ऑर्डर्स जा रहे परमानेंट है, वॉर ऑर्डर्स में आपको नहीं पढ़ना है। भारत के लिए जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है ना। हमारे देश में जिन जगहों पर सिचुएशंस ऐसी हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, क्योंकि जमीन के नीचे पानी क्या है, कैसे फर्स्ट में हाइड्रोजन हैबिट्स में क्यों हो सकता है, पर उनके हालात पे अगर हम लोग जाकर के कहते हैं कि गरीब हैं, ये है वो है, और फिर कुछ नहीं करते हैं, तो वोट मांगने क्यों जाएं? नहीं चाहिए ना हमारे को डेमोक्रेटिक और ड्रामा सिस्टम, फेडरल चलेगा, पंचायती राज, और हमें कुछ सुनना ही नहीं है, ठीक है ना। महिलाओं के प्रति न्याय व्यवस्था में कुछ खामियां हो सकती हैं, क्योंकि सबकी इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते, पर सर्विस के समय लिंग भेद तो नहीं है जी, ड्यूटी तो पूरी करनी पड़ेगी। महीने में 7 दिन की छुट्टी तो हम देने को तैयार हैं आपको, पर वो 7 दिन आवारा गर्दी मत कर लेना, वो 7 दिन अब रह गई बात भारत में आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स की, जो हम लोग, मेरी बात हुई थी लालू प्रसाद यादव के बच्चों से, लड़कों के बारे में, मर्सिडीज के प्रोजेक्ट को लेके। तो अभी मैंने दिल्ली और एक जगह और मर्सिडीज के प्रोजेक्ट ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मर्सिडीज कंपनी, मर्सिडीज बहुत कुछ बनाते हैं, पर ये इस तरीके से बनाएंगे कि वहां आपको रोजगार की आपको दिक्कत नहीं होगी। यही मैं पैटर्न ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं चलाना चाहता हूं। मैं अफगानिस्तान में, मैं तालिबान के मामले में क्यों उतरा, वो एक सभ्यता है, नहीं चाहिए ना हमारे को महारानी का पैटर्न, बाढ़ में जाना तू, नहीं चाहिए ना, तू कौन है, नहीं पढ़ना ना तेरा संविधान, कह रहे भाई 10,827 कमरों का महल का बनेगा, मैं बन गया कैसे, मैं कह 10,827 कमरे बुक कर लो इस जगह पे, हो गया बस, इतनी सी बात है, आपस में कनेक्ट कर देंगे कमरे, कौन सी बड़ी बात है। अब और कॉन्क्रीट, फिर पहाड़ तोड़ो, फिर सर ये और फिर ये फिर वो, क्या पागलपन है यार। अब प्लांट्स ग्रो करेंगे, हो गया बुक कर लिए 10,827 कमरे, चालू हो जाओ, खरीद लो 10,827 फ्लैट, 4 BHK 3 BHK जो मिलता है खरीद लो, यहां से शुरू हो जाओ, ये खरीदा करते जाओ, खाली करा दो, इससे ज्यादा नहीं बना रहे हम शहर यार। बाकी बातों की रह गई बात, वो अमेरिका में कैसी जिंदगी जीते हैं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। मैंने इंग्लिश सीखी है सिर्फ उनको समझाने के लिए, इसलिए नहीं कि मेरे को आपके ऊपर स्टाइल झाड़नी है।
ना सीधा तुम्हारी मां का बोझड़ा बहन के लिए झापड़ देगा, मार दूंगा खींच के, समझे? यार सीधी सी भाषा है कि वो जब एमिनम गाना गाएगा, वो यहां हनी सिंह गाएगा, तो सोच सकते हो यार, आप समझ रहे हो क्यों? हम लोग पिछड़े नहीं हैं, तुम कुछ ज्यादा आगे निकल गए, और कोई बात नहीं है, हम पिछड़े नहीं हैं, हम पिछड़े वर्ग से नहीं हैं, आपने कुछ ज्यादा ही आगे जाके अपना वर्ग बना लिया है, जहां आप अकेले पड़ गए हो। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है। और अगर यहां किसी को बदमाशी करनी है, दिखानी है, तो फिर चूचू से मिल लेना भाई, चूचू गैंग है ना मेरा, तो हर तरह से जानते हैं हम, तो इनको संभालना। अब वहां के मामले में जो मर्सिडीज के प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, उसके लिए जो है मैंने होल्ड जानबूझ के कराया, ठीक है, अभी कुछ मामले हैं, जरा उसको सीधा कर ले, फिर काम करेंगे। ये न्यूज मीडिया वाले जो है, क्या कहते हैं, बैठ करके बहस करते रहे, कुछ भी करते, में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? मुझे आपके रिलीजियस उसमें नहीं पढ़ना, पर अगर तुमने भैया या इस्लाम के वर्चस्व की, या वर्चस्व की ज्यूइश है ना, वहां जाओ, वो वहां इसराइल है, वहां चल ले, चल निकल, मुसलमान बनती, ओ वहां जाए काबा के, वहां उधर उधर वहां एकदम सरदार पंथी, वहां जाओ, वो पंजाब वहां भी है, चले यहां से खाली कर, वहां चल, उतने से को बना ले, खालिस्तान बना ले, चाहे जो मर्जी बना ले, चल उधर जा, ईसाई वेटिकन जा, वेटिकन अमेरिका जा, ईसाई देशों में जा, चल निकल यहां से एकदम, दफा हो जाए यहां से। अगर हिंदुओं पर हमला हुआ या सनातन धर्म के मंदिर तोड़े गए, मैं हर उस आदेश को का पालन करवाने वाले और करने वालों को गोली मार दूंगा, मैं नहीं सुनता कुछ भी, समझे? नेताओं से तो हमारे को सख्त नफरत है, मारेंगे बहुत, साफ सीधी बात है। क्योंकि पंचायत गांव और आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अब केस जो है, जमीन का केस है बिहार में कहीं पे, सुनिए, और वो अपनी जमीन का केस लड़ते लड़ते बिहार पटना हाई कोर्ट तक आया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, भाई उसकी तो वैसे ही मां चुद गई, वो मां चुदवाने के लिए बहन का लोड़ा न्याय के पीछे भागेगा, नहीं चाहिए भाई, मां चुदाओ ना तुम बहन, हमें मतलब नहीं तुमसे, कुदो दुकान बंद करो, इन बहन के लड़ोगी, मतलब सीधा सीधा बोलता हूं भाई, अपनी मां की चूत में जाओ बहन के लंडो, तुम जहां का न्याय है वहीं गांव में न्याय हो जाएगा, और पंच परमेश्वरों के हाथ जोड़ के विनती है, समझे? तो समझ लो, अब आप गलती से भी ना गलत काम में मत मिल जाना। अब बाकी जो है, क्या कहते हैं, सब बढ़िया है, ज्यादा लिखना कम समझना।